नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। अस्पताल ले जाते हुए संजय चौक पर महिला की ऑटो में हुई डिलीवरी। 35 मिनट तक जच्चा बच्चा रहे ऑटो में, अब मां और बच्चा दोनों है स्वस्थ। पानीपत जिले में अब हर 24 घंटे में मिल रहा है कोरोना का एक पॉजिटिव केस। पानीपत में अब 7 केस हुए एक्टिव। शहर की वधावाराम कॉलोनी स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने कर ली नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी। तहसील कैंप थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। शिवनगर स्थित खादी आश्रम के पास फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। आग में हुआ काफी नुकसान। 20 दिन पहले सेक्टर 25 के रहने वाले अरुण ने की थी आत्महत्या। मां के हाथ सबूत लगे तो प्रेमिका सहित 5 पर मां ने करवाया सेक्टर 13-17 थाने में मामला दर्ज। विवाहित महिला ने दिया था धोखा, चैटिंग से हुआ खुलासा। अब प्रदेश के राजकीय स्कूलों में हर महीने के पहले शनिवार को लगेगी योग की पाठशाला। करवाया जाएगा सभी को योग। SP शशांक कुमार सावर ने पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने, आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और यातायात की समस्याओं को जानने और निवारण को लेकर CLG के सदस्यों के साथ की बैठक। DSP प्रदीप ने विशेष जागरूकता अभियान के दौरान स्कूल में छात्र और छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक। बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को CI2 ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 2 महीने में 7 वारदातों को दिया अंजाम। पकड़े गए आरोपियों से चोरी की 7 बाइक और 1 एक्टिवा भी बरामद। उप पुलिस अधीक्षक संदीप ने विशेष अभियान के तहत अंसल स्थित मिलेनियम स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में दी गई जानकारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. By Sanskrit School, your life will be shining.